आज की बात स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग एशिया का जो महान बौद्ध सम्राटों की जो फहरिस्त है उसमें एक नाम जिसका बड़ा शुमार होता है और वो नाम है स्त्रोंगस्तंग गंपो, जो कि तिब्बत के सम्राट हैं और आधुनिक तिब्बत को बनाने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, जहां से उन्होंने तिब्बत के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। हमने पिछली कड़ी में देखा कि कैसे सम्राट गंपो ने तिब्बत के लिए एक लिपि का निर्माण किया और वो लिपि को तिब्बत में विकसित करने के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को, अपने सहयोगियों को, अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भारत की ओर भेजा और वहाँ से ये लिपि सीख कर आए और उसके बाद ये लिपि तिब्बत में विकसित हुई। तिब्बत के जो आज की जो समृद्ध संस्कृति हम लोग देखते हैं, इसको भी विकसित करने में सम्राट स्त्रोंगस्तंग गंपो का बड़ा योगदान आता है। आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखिए कि जितनी कुछ जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उससे ये पता चलता है कि सम्राट गंपो के शासन काल में ही मिट्टी के बर्तन, पान चक्की और करघे का आविष्कार तथा प्रचार हुआ था। तिब्बत की संस्कृति गंपो से पहले, सम्राट गंपो से पहले, ये एक खानाबदोश जिसे कहा जाए कबीले की संस्कृति थी, जो घुमंतू जातियों के रूप में थी और पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर छोटे छोटे तंबू लगाकर रहने वाले। लेकिन जब गंपो ने इन सबको इकट्ठा किया, इनका एकत्रीकरण करके जब इनको एक बेहतर देश में परिवर्तित किया, तो आप देखिए कि मिट्टी के बर्तन भी सम्राट गंपो के काल में बने और उन्हीं के काल में पवन चक्की बनी। करघे का इस्तेमाल भी, हथकरघे का जो इस्तेमाल है वो भी उसी वक्त हुआ है। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं कि सम्राट स्त्रोंगस्तंग गंपो तिब्बत के एक महान सुशासक ही नहीं बल्कि वे भोर देश के भावी साहित्य, धर्म और राजनीति आदि सभी के जनक थे, क्योंकि उससे पहले कुछ था ही नहीं और सम्राट गंपो ने एक राजनीतिक दिशा दी तिब्बत को। एक सम्राट के रूप में और एक राजा के रूप में और एक प्रदेश के रूप में उन्होंने अपने आप को और तिब्बत को स्थापित किया। सम्राट गंपो ने लंबी आयु पाई थी, वह दीर्घ काल तक राज्य करते रहे। 62 वर्ष के प्रशांत शासन के पश्चात 698 ईस्वी में 82 वर्ष की अवस्था में लासा के उत्तर वाले फन्यूल प्रदेश के सलभी स्थान पर उस 7वीं सदी के महान सम्राट ने अपना शरीर छोड़ा। देखिए कि 82 साल की उम्र रही उनकी, 82 साल तक उन्होंने जीवन जिया और 62 वर्ष उन्होंने राज्य किया। आप जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि बहुत छोटी उम्र में उन्हें राज्य की जिम्मेदारी मिली, क्योंकि उनके पिता का जब देहांत हुआ उसके बाद उन्होंने, वो जिस कबीले से थे, जिस क्षेत्र से थे, उस कबीले की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आ गई और उसके बाद फिर उन्होंने सब कबीलों को इकट्ठा किया। सम्राट को नेपाली रानी से गुंग स्त्रोंग गंग बुचन नाम का एक पुत्र हुआ था, परंतु वह पिता के जीवन काल में ही चल बसा और पिता के देहांत के बाद चीनी रानी का पुत्र 15 वर्ष की उम्र में तिब्बत के राज सिंहासन पर बैठा। तो जो नेपाल की जो राजकुमारी थी और वो जो गंपो की रानी बनी, उससे जो बेटा हुआ वो ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सका और वो उनके रहते में ही वो चल बसा था। लेकिन जो चीनी राजकुमारी थी कांगजो, उससे जो बेटा हुआ वो फिर आगे राज सिंहासन पर बैठा गंपो की, सम्राट गंपो के देहांत के बाद। और पिता के महान कार्य और विशाल व्यक्तित्व ने अपने भारी बोझ से उसे दबा दिया, तो भी एक बार फिर उसे अपनी योग्यता एवं पराक्रम दिखाने का मौका मिला। अब सम्राट गंपो का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि राजकुमारों की जो गुणवत्ता रही वो दिखाने का किसी को वक्त ही नहीं मिला, मौका नहीं मिला, वक्त कहने से बेहतर। लेकिन जब गंपो का देहांत हुआ तब उनका बेटा, उसे अपना पराक्रम और अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिला और सम्राट गंपो की मृत्यु के उपरांत भोट की शक्ति को क्षीण हुई समझे चीनियों ने तिब्बत के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया।
अब ये बड़ी पुरानी बात है, आज भी इन सारी समस्याओं को हम लोग देखते हैं। और तब युद्ध छेड़ दिया, किंतु उन्हें जल्द ही मुंह की खानी पड़ी, और इसके बावजूद समय समय पर चीन ने तिब्बती राजाओं को दबाने का प्रयास किया है। ये बड़ा लंबा संघर्ष चलता रहा है, आज भी जो चल रहा है। इसके बावजूद सब उन्हें महल की राजकुमारियों को उपहार के रूप में देकर तिब्बती राजाओं से समझौता करना पड़ा, और ईस्वी सन 800 में दोनों ओर की सेनाओं के युद्ध के बाद युद्धबंदी समझौते पर चीन तिब्बत दोनों राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, और जिनमें चीन को मामा देश और तिब्बत को भांजा राष्ट्र कहा गया। चीन को मामा देश और तिब्बत को भांजा राष्ट्र कहा गया, और यह चीन और तिब्बत को प्रथम राजनीतिक समझौता था। तो यह समझौता बहुत पहले हुआ है, ईस्वी सन 800 में। आज तिब्बत की जनता ने परिवर्तन युग के साथ साथ अपने आप में परिवर्तन लाया है, समृद्धि और उन्नति के लिए। फिर एक बार अपने मामा देश से उन्होंने हाथ भी मिलाया, लेकिन अपना पृथक अस्तित्व ही समाप्त होने की स्थिति उनकी बन गई। आज भोट या तिब्बत एक अलग राष्ट्र ना होकर अब चीन का एक हिस्सा मात्र बन गया है, और इतना कुछ होने पर भी तिब्बती जनता एवं देश संसार के इतिहास के पृष्ठों से अपना नाम मिटाने के लिए भी तैयार नहीं हो सकता। लेकिन तिब्बत की अपनी स्वयं की एक विशिष्ट पहचान है, और इसी को लेकर परम पावन दलाई लामा, जो कि वैश्विक धर्म गुरु है और तिब्बत की विशिष्ट पहचान के साथ अपने आप को आज भी एक विशिष्टता में रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस वक्त की जो राजनीतिक परिस्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति है तिब्बत की, तो इस समय तो चीन वहाँ पर है, और तिब्बत अपने आप में अपनी स्वतंत्रता की एक अलग से लड़ाई इस समय लड़ रहा है, और वैश्विक समुदायों को इसके लिए मदद भी मांग रहा है। वैश्विक समुदाय भी अपनी ओर से इसमें समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझेंगे कि इसमें एक बात विशेष रूप से कही गई है, और वो ये है कि तिब्बत की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, और वो अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ जीना चाहता है, और ये आधुनिक समय में इस बात को एक रिकग्निशन प्राप्त करना, इसके लिए भी जो पूरी दुनिया में फैले हुए तिब्बती रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी हैं, वे इस बात पर आज भी काम कर रहे हैं, अड़िग हैं, और तिब्बत का आज जो वास्तव है वो आज सबके सामने है। तो देखिए कि ये जो तिब्बत के पूर्व पुरुष है स्त्रोंग स्तंग गंपो, जिसने उसके लिए संसार की सभ्यता के चारों कपाट खोल दिए थे, तिब्बत कैसे भूल सकता है। आज भी उनकी वीर गाथाएं इतिहास के पन्नों पर वैसे ही दोहराई जाती है जैसे वो उस वक्त लिखी गई थी। आज भी गंपो की जो वीर गाथाएं हैं वो गाई जाती हैं, आज भी कथाओं में निश्चित रूप से गंपो होते हैं, और गंपो का जो योगदान है तिब्बत को बनाने में वो आज भी उसको सराहा जाता है, और उसको स्वीकारोक्ति मिलती है तिब्बती समुदायों में। हमने ये देखा कि चीन की और तिब्बत की आज की जो भी स्थिति रही हो, लेकिन गंपो के वक्त से अगर इसको देखा जाए तो निश्चित रूप से चीन और नेपाल और तिब्बत, इनके रिश्ते पारिवारिक रहे हैं, क्योंकि चीन की राजकुमारी और नेपाल की राजकुमारी दोनों तिब्बत के सम्राट गंपो की रानियां थीं। तो यहाँ रुकते हैं सम्राट गंपो के इस परिचय के साथ, इस वादे के साथ भी रुकते हैं कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, और हम बौद्ध संस्कृति से जुड़ी किसी और बात पर आपसे बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।